एम्ब्रियो ट्रांसफर मतलब ये एक प्रोसेस होता है जो फाइनल प्रोसेस होता है आईवीएफ का। हमने बच्चे तैयार किए होते हैं लेबोरेटरी में और फिर वो थैली के अंदर छोड़ने का प्रोसेस, दैट इज नोन एज एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर में हम क्या करते हैं कि दवाई गोलियां देके थैली या यूट्रस को तैयार करते हैं और फिर जब वो सोनोग्राफी पे पता चलता है कि यूट्रस तैयार है तब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए आपको बुलाते हैं हॉस्पिटल। अभी पेनफुल है क्या? जी नहीं, बिल्कुल पेनफुल नहीं है। ये प्रोसेस हम विदाउट एनेस्थीसिया करते हैं। क्या खा सकते हैं? आई थिंक खाने पीने पे कोई पाबंदी नहीं है, आप जो चाहे वो मन में खा सकते हो। तो डाइट हमारे जो नॉर्मल है, सब्जी, रोटी, सैलड्स, दाल, चावल, सभी चीज़ें खा सकते हो, दही, दूध, जो आपको सूट होता है वो खा सकते हो आप। प्रोटीन्स का सोर्स जो है वेजिटेरियन डाइट में कम होता है, तो आपको आपके प्रोटीन्स का सोर्स बढ़ाना चाहिए। फिर आप जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। और फिर और एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि लड़कियाँ जाके घर पर सो जाती है, बेड रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हाउस अरेस्ट हम बोलते हैं कि आप हाउस अरेस्ट मतलब बाहर मत जाओ इधर घूमने फिरने, वो भी 2-3 दिन। और फिर उसके बाद में मेरी पेशेंट्स को तो ऑफिस भी भेज देती हूँ। अगर काम करती लड़कियाँ नौकरी करती है तो उनको नौकरी पे वापस भेज देते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि मेंटल स्ट्रेस है, कि आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा सोचोगे ट्रीटमेंट के बारे में वगैरह, वो हमको नहीं चाहिए। तो मैं लड़की को बोलती हूँ कि अगर आप कुकिंग पसंद करते हो तो कुकिंग कीजिए। तो उतना टाइम जब आप सब्जियाँ काट रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, तो आप भूल जाते हो कि आप पे ट्रीटमेंट की गई है। या फिर मेडिटेशन कीजिए, योगा कर सकते हैं, मतलब मेडिटेशन, योगा का मेडिटेशन जो है, या फिर सिंगिंग या पेंटिंग, ऐसी कोई हॉबीज, टीवी देख सकते हो बैठ के, रीडिंग कर सकते हो, ये सब चीज़ें जो आपके दिमाग को जरा ऑक्यूपाइड रखे और आपको ट्रीटमेंट की तरफ या कोई स्ट्रेस ना हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आई थिंक एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद ये सब चीज़ें की ख्याल रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और दवाई वक्त पे लेना इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एम्ब्रियो ट्रांसफर। रियली अगर आप दवाई वक्त पे लोगे और फिर 10-12 दिन में हम तो टेस्ट करते ही हैं और पता चलता है प्रेगनेंसी है कि नहीं है। एंड आई थिंक मेंटल प्रिपरेशन की IVF प्रेगनेंसी का सक्सेस रेट बिटवीन 40-50% है, डिपेंडिंग ऑन द एज, कैसा पेशेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड होता है। तो ये सब ख्याल रख के सोचना चाहिए कि हैप्पी रहना चाहिए। आई थिंक दैट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट।